डियर स्टूडेंट्स, आज एक लंबे अंतराल के बाद हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में आज आप देखेंगे, आज का थीम है मनुष्य के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ एवं महत्व। ठीक है, मनुष्य के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ एवं महत्व, यानी न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय ह्यूमंस एंड देयर वैल्यू। मानव जीवन के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से पोषक पदार्थ हैं जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, कंपलसरी होते हैं, उसके जीवन को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, इसमें देखिए सात जो है, मुख्य रूप से सात न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, सात पोषक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी बेहद आवश्यकता होती है जीवन को चलाने के लिए, मानव जीवन को चलाने के लिए। तो वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट नंबर एक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, वाटर यानी जल है, मिनरल साल्ट्स खनिज लवण है, और साथ ही साथ विटामिन्स हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स साल्ट्स एंड वाटर, ये जो मुख्य सात न्यूट्रिएंट्स हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए या अन्य जीवधारियों के लिए भी, अन्य स्तनधारियों के लिए भी आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं, उनके शरीर की प्रत्येक फेनोमेनन को, प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक सिस्टम को क्रियान्वित करने के लिए बहुत बहुत आवश्यक होते हैं। नंबर एक जो कार्बोहाइड्रेट होता है, या प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, मिनरल साल्ट्स और विटामिन्स जो भी हैं, ये बेहद आवश्यक हैं। कर आएगी जो पोषक तत्व तो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उपयोगिता के आधार पर, यानी मनुष्य के अंदर क्रियात्मक उपयोगिता के आधार पर उसको बताया गया है कि वो कई श्रेणियों में बांटा गया है, उनको कई कैटेगरी के होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शनल यूजेज, यानी उपयोगिता के आधार पर। नंबर एक कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादक, ऐसे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पादन का काम करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं, उनको हम ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे कि फैट यानी वसा हो गई, है ना। कार्बोहाइड्रेट और वसा एक ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बॉडी के अंदर जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए उनका उपयोग किया जाता है, यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी का हम अपने शरीर के अंतः जैविक क्रियाओं में उनका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ कह रहा है कि दूसरा जो है निर्माण पदार्थ के रूप में, यानी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल हम इसको कह सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल जो है वो प्रोटीन्स के रूप में हम यूज करते हैं, या प्रोटीन्स हमारे बॉडी का जो है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, यानी प्रोटीन के द्वारा संरचनात्मक जो स्वरूप बनता है बॉडी का, वो प्रोटीन के द्वारा बनता है, और प्रोटीन ही हमारे जो उत्तकों की, जो टूटे फूटे उत्तक होते हैं, उनके रिपेयरिंग के लिए भी यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है, तो इसको हम बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। जो तीसरे नंबर पे आता है, उपापचय नियंत्रक, मेटाबॉलिक रेगुलेटर इसको कहते हैं। क्या कहा हमने, मेटाबॉलिक रेगुलेटर या उपापचय नियंत्रक। बॉडी के अंदर बहुत से ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जिनका नियंत्रण जो है ये उपापचय नियंत्रक करते हैं, जैसे कि विटामिन्स हैं, जैसे कि मिनरल साल्ट्स हैं, खनिज लवण हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ही रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ जो अंतिम जो कैटेगरी बताया गया है वो अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल जिसको आप कह सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड बॉडी का हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, और इस जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए है, आरएनए है। तो डीएनए
जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है, जो कि किसी भी लक्षण को, किसी भी ट्रेट को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है, यानी पिता से पुत्र में, पिता से पुत्री के अंदर लक्षणों को, ट्रेट को ट्रांसफर करने का कार्य जो है डीएनए करता है, अर्थात इसे हम न्यूक्लिक या अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आगे आगे हम बात करेंगे कि खनिज लवण यानी मिनरल साल्ट्स क्या होते हैं। बॉडी के अंदर, प्यारे बच्चों, बॉडी के अंदर जो है, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ मिनरल साल्ट्स, 20 तरह के मिनरल साल्ट्स पाए जाते हैं और खनिज लवण पाए जाते हैं। ये खनिज लवण जो है वो पूरे बॉडी वेट का, कह रहा है कि पूरे बॉडी वेट का जो है वो 4-5% भाग बनाते हैं। यानी फिर से एक बार दोहरा देते हैं, हमारे शरीर के अंदर 20 प्रकार के खनिज लवण या खनिज तत्व पाए जाते हैं जो बॉडी वेट का 4-5% भाग बनाते हैं, और बॉडी के ऊपर जो भी नियंत्रण होता है यानी वो नियंत्रण का कार्य करते हैं, तमाम इनके फंक्शन होते हैं, जिसमें कि कह रहा है कि कुछ लघु तत्व कहते हैं, क्या कहा हमने, कुछ लघु तत्व, इसको आप माइनर एलिमेंट कहते हैं। लघु तत्व का मतलब यहाँ पे, माइनर एलिमेंट का मतलब यहाँ पे ये होगा कि इनकी मात्रा अल्प यानी लघु, कम मात्रा में इनकी जरूरत होती है बॉडी के अंदर, जैसे कि कैल्शियम है, जैसे कि फास्फोरस है, जैसे कि सल्फर है, यानी कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर हमारे बॉडी के अंदर लघु तत्व के रूप में जाने जाते हैं और लघु तत्व के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें कि कैल्शियम और फास्फोरस का मेन रोल होता है हड्डियों के निर्माण में, साथ ही साथ दांतों के निर्माण में मदद करना या उनके निर्माण को करना। इसके अलावा सल्फर भी होता है। दूसरा इसमें बताया गया है कि अल्प तत्व, बॉडी के अंदर जो अल्प तत्व या ट्रेस एलिमेंट इनको कहते हैं, वो पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर है, जैसे कि मैग्नीज है, जैसे कि कोबाल्ट है, यानी इनकी जो मात्रा होती है बहुत सूक्ष्म मात्रा, यानी ट्रेस एलिमेंट के रूप में कॉपर भी चाहिए, मॉलिब्डेनम कोबाल्ट भी चाहिए और मैग्नीज भी चाहिए। ठीक है, तो खनिज तत्व, जो ये खनिज तत्व 20 प्रकार के होते हैं और हमारे बॉडी के लिए इनकी बहुत बहुत महत्वता होती है, मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए मिनरल्स की, मिनरल साल्ट्स की बेहद आवश्यकता होती है। और ये कह रहा है कि ये जो मिनरल साल्ट्स होते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है बॉडी के अंदर, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फेट है, ये दांतों को, हड्डियों के घटक होते हैं, दांतों और हड्डियों को बनाने का कार्य करते हैं, ये कैल्शियम फास्फेट का कार्य होता है। साथ ही साथ शरीर के अंदर कह रहा है कि जो कार्बनिक एलिमेंट्स के रूप में, आपने देखा कि कार्बनिक एलिमेंट्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, और साथ ही साथ जो है वो प्रोटीन है, कार्बनिक एलिमेंट है, और अकार्बनिक एलिमेंट के रूप में आपने देखा खनिज लवण और पानी को देखा। ठीक है, ये खनिज लवण और पानी जो होते हैं वो अकार्बनिक एलिमेंट के रूप में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो इम्पोर्टेंस है मिनरल्स का, उसमें तमाम शरीर के अंदर उनकी क्रियाएं होती हैं, और जो फास्फोरिक एलिमेंट्स, फास्फोरिक जो एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये आपका मिनरल जो साल्ट्स हैं, इनका महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि हमने बताया कि कैल्शियम, फास्फोरस जो है हड्डियों और दांतों के घटक होते हैं, उनको बनाने का कार्य करते हैं। बॉडी के अंदर जो कोशिका कला, कोशिका कला की पारगम्यता है, उसको मेंटेन करने का कार्य करते हैं। क्या कहा हमने, शरीर के अंदर जो कोशिका कला की जो पारगम्यता होती है, यानी कोशिका कला से कोई पदार्थ अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है, इसकी पारगम्यता को बनाने का, जो कंट्रोल करने का कार्य जो है ये खनिज लवण करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि खनिज लवण जो होते हैं वो शरीर के अंदर जो पीएच वैल्यू है, जो पीएच वैल्यू है, जो ऑस्मोरेगुलेशन है, उसको ये कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, यानी बॉडी के अंदर पीएच वैल्यू को बनाए रखते हैं। साथ ही साथ हृदय स्पंदन को
पेशियों के संकुचन को, हृदय स्पंदन को, पेशियों के संकुचन को, चालकता को ये मेंटेन करने का कार्य करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। जैसे डॉक्टर जो है वो अगर ब्लड प्रेशर अधिक होता है तो उस समय नमक कम खाने या न खाने का सलाह देते हैं, क्योंकि जो नमक होता है NaCl होता है उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, उससे ब्लड प्रेशर में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंस। प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंस जो है वो मिनरल्स का क्या होता है, एक चार्ट के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है, इसको समझाने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह चार्ट जरूर पसंद आएगा। तो आप देखिए, एक तरफ हमने लिखा है खनिज तत्व, है ना, ये मिनरल साल्ट्स हैं, प्रतिदिन आवश्यक मात्रा यानी पर डे मिनरल साल्ट्स की हमें कितने मिलीग्राम, कितने ग्राम की आवश्यकता होती है और वो किस स्रोत से प्राप्त होते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही साथ इस मिनरल्स के, इस खनिज तत्व का क्या इम्पोर्टेंस है बॉडी के अंदर, उसको हमने इस चार्ट में दिखाया है, और कमी से क्या प्रभाव होता है, यानी अगर इस मिनरल्स की, इस खनिज तत्व की बॉडी के अंदर अगर कमी हो जाए तो इससे बॉडी के तमाम सेल्स के ऊपर, टिश्यू के ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा वो आपको इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम, ये आपका कैल्शियम है CA, ये कैल्शियम बॉडी के अंदर, कैल्शियम की जो कह रहा है कि प्रतिदिन आवश्यक मात्रा होती है वो 800 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है? 800 मिलीग्राम। यह कैल्शियम दूध में, पनीर में, अंडा में, हरी सब्जी में यह प्राप्त होता है। ठीक है, दूध, पनीर और अंडा, हरी सब्जी में यह कैल्शियम प्राप्त होता है। पर डे हमें कितनी आवश्यकता होती है? 800 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। इसका कार्य क्या है शरीर के अंदर, तो कह रहा है कि दांतों एवं हड्डियों की रचना और रुधिर स्कंदन में मदद करता है, दांत के बनाने में, हड्डी के बनाने में, ब्लड का जो कोएगुलेशन होता है, ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है उसमें, यानी रक्त के थक्का जमने में, स्कंदन में इनकी विशेष भूमिका होती है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है, हमारे दांत और हड्डी दोनों दुर्बल हो जाएंगे, शरीर दुर्बल हो जाएगा, टिटैनी नामक रोग हो जाएगा, यानी शरीर की वृद्धि क्या होगी, कुंठित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुंठित हो जाएगी शरीर की वृद्धि। ठीक है, तो ये टिटैनी नामक रोग होता है। इसके अलावा कह रहा है कि दूसरा जो खनिज तत्व है उसको फास्फोरस, क्या कहते हैं, फास्फोरस, फास्फोरस की भी मात्रा कह रहा है कि 800 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम हमें पर डे चाहिए, प्रतिदिन की आवश्यक है यह, और यह दूध में मिल सकता है, मांस में मिलता है, मछली में मिलता है, अन्य प्रोटीन युक्त पदार्थों में भी यह फास्फोरस की जो है मात्रा मिलती है। साथ ही साथ इससे क्या, फास्फोरस का क्या रोल होता है, तो कह रहा है कि दांत की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दांत की संरचना बनाने में मदद करता है और अम्ल क्षार संतुलन यानी बेस और एसिड, यानी अम्ल और क्षार का क्या बैलेंस होगा, उस बैलेंस को बनाने का कार्य यह सल्फर जो है, ये फास्फोरस जो है वो मेंटेन करता है। साथ ही साथ अगर इसकी कमी बॉडी के अंदर हो जाए तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, दांत और हड्डी क्या हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, दांत और हड्डी जो है कमजोर हो जाएंगे, अगर किसकी कमी हो जाए, फास्फोरस की कमी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो खनिज तत्व है उसको हम सल्फर के नाम से जानते हैं, यस, फॉर सल्फर। इसकी मात्रा बॉडी के अंदर अभी तक ज्ञात नहीं है कि कितना होना चाहिए पर डे, कितना लेना चाहिए। अंडा, मांस, पनीर में ये सल्फर जो है, अंडा, मांस, पनीर में ये ज्यादा अधिकांश रूप से मिलता है, अंडा, मांस, पनीर। कह रहा है कि इनका महत्व विटामिन्स एवं, है ना, विटामिन्स एवं हार्मोन का एक घटक है, जो सल्फर होता है वो विटामिन्स और हार्मोन का घटक होता है, यानी इनके द्वारा विटामिन्स और हार्मोन्स के बनने में मदद मिलता है। प्रोटीन की कमी हो जाएगी, अगर सल्फर की कमी होगी तो प्रोटीन उपापचय में गड़बड़ी भी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है,
इसके बाद हम बात करेंगे पोटेशियम। पोटेशियम यानी के से डिनोट करते हैं, कह रहा है कि 2 ग्राम, मात्र 2 ग्राम पोटेशियम पर डे हमारे बॉडी को चाहिए और इसका स्रोत है मांस है। क्या कहा हमने? मांस है, दूध है, हरी सब्जी है, इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा मिलती है। क्या काम है इनका? तो अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, जल का बैलेंस बनाता है, यानी अम्ल और क्षार का संतुलन, जल का संतुलन, ये प्रमुख कार्य है पोटेशियम का। इसकी कमी से क्या बॉडी के अंदर इफेक्ट हो सकता है? तो कह रहा है कि निम्न रुधिर पर चाप और अंग घात पैरालिसिस दोनों हो सकता है, यानी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है पोटेशियम की कमी होगी तो, और रुधिर ये अंग घात हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, यानी बॉडी का अंग जो है काम करना बंद कर देता है पैरालिसिस के केस में। ठीक है, इसके बाद जो अगला आपका खनिज तत्व है वो क्लोरीन के नाम से जानते हैं, सीएल। इस सीएल की मात्रा पर डे कर रहा है कि 3.2 ग्राम यह हमें पर डे चाहिए क्लोरीन भोजन के रूप में। साथ ही साथ खाने वाला जो नमक होता है वहां से हम क्लोरीन प्राप्त कर लेते हैं। इनका प्रमुख कार्य है अम्ल क्षार संतुलन। क्या कहा हमने? अम्ल क्षार संतुलन। और ये कह रहा है कि इनकी कमी से भूख की कमी हो जाएगी। अगर बॉडी में क्लोरीन कम मिलेगा तो भूख की कमी होगी, यानी भूख नहीं लगेगी और थकावट फटीग महसूस होगा हमें, बॉडी जो है थकावट महसूस करेगी। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि अगला जो है सोडियम, Na से डिनोट करते हैं, 3 ग्राम इसकी भी आवश्यकता बॉडी के पर डे जो है 3 ग्राम चाहिए। खाने वाला नमक है उससे हमें प्राप्त हो जाता है। जल संतुलन और हृदय स्पंदन हार्ट बीट में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। सोडियम के द्वारा जल संतुलन भी नियमित किया जाता है और इसकी कमी से लो ब्लड प्रेशर होगा और फटीग होगा, थकावट होगा। इसके बाद करें कि मैग्नीशियम है, Mg है, 3.5 ग्राम पर डे कितना हमको चाहिए? 3.5 ग्राम मैग्नीशियम की हमारे बॉडी में पर डे 3.5 ग्राम की आवश्यकता है, जो हमें मिल जाता है दूध से, अनाज से, मछली से, मांस से, इनसे जो है मैग्नीशियम की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि इनका जो मेन रोल होता है वो नर्वस सिस्टम का जो मैकेनिज्म है, यानी जो तंत्रिका तंत्र की कार्यकी है उसको ये प्रभावित करता है, उसको इफेक्ट करता है। तो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने का कार्य जो है वो मैग्नीशियम करता है। अगर इनकी कमी हो गई मैग्नीशियम की तो नर्वस सिस्टम आपका प्रभावित हो जाएगा, यानी तंत्रिका तंत्र बिगड़ जाएगा। सुचारू रूप से तंत्रिका तंत्र के न कार्य करने से बॉडी के तमाम सिस्टम जो है कार्य में शिथिलता बरतेंगे या उनका कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। इसके अलावा जिंक की बात करते हैं, Zn से डिनोट करते हैं, 15 मिलीग्राम। क्या कहा हमने? ये 15 मिलीग्राम है, ये 15 मिलीग्राम दूध, अनाज और मांस से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? दूध से, अनाज से और मांस से जिंक की मात्रा। इसका मुख्य कार्य है जननांगों का विकास करना, शरीर के अंदर जो बॉडी के अंदर जननांग होते हैं मेल या फीमेल उनका विकास करना, और कह रहा है कि 100 एंजाइम्स का यह सह घटक होता है। ठीक है, को फैक्टर होता है, यानी 100 एंजाइम्स का, लगभग 100 एंजाइम्स का जो है ये सह घटक का कार्य करता है। इसके अलावा इसकी कमी से रुधिर छिड़ता, भूख की कमी, अगर ये कम होगा तो रुधिर एनीमिया हो जाएगा, साथ ही साथ भूख नहीं लगेगी, भूख की कमी महसूस होगी। अगला जो मिनरल्स है उसको हम लौह के रूप में Fe यानी आयरन है, 18 मिलीग्राम पर डे हमें 18 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। यह जिगर से, अंडा से, मांस से, हरी सब्जी से यह प्राप्त होता है। ठीक है, लौह जो है जिगर से, अंडा से, मांस से और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, जिसकी आवश्यकता हीमोग्लोबिन के घटक के रूप में होती है। यह एक प्रकार का घटक है हीमोग्लोबिन का। साथ ही साथ इसकी कमी से रुधिर छिड़ता हो सकता है, बॉडी के अंदर दुर्बलता हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये खनिज तत्व, भिन्न प्रकार के जो खनिज तत्व हैं जो मुख्य हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया।
कुछ और यहाँ पे खनिज तत्व जैसे कि आयोडीन है, आयोडीन आयोडीन एक ऐसा खनिज तत्व है जो 150 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है बॉडी के अंदर पर डे, और ये कह रहा है कि जो आपका आयोडाइज्ड नमक होता है उसमें आयोडीन की मात्रा मिल जाती है, और इसकी कमी से हमें घेघा रोग होता है, गले में घेघा रोग होता है, यानी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो फूल करके बाहर निकल आती है, तो इसको हम घेघा रोग या ग्वाइटर डिजीज कहते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद जो मिनरल्स है, कॉपर है 2 मिलीग्राम, बहुत कम मात्रा जो है 2 मिलीग्राम की आवश्यकता कॉपर की होती है, और मांस अंडा में पर्याप्त मात्रा में कॉपर मिल जाता है, साथ ही साथ इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है। इसके अलावा कह रहा है कि मैग्नीज, क्या कहा हमने, मैग्नीज, मैग्नीज जो है वो मेवा में सूखे फल में ये प्राप्त होता है, साथ ही साथ जो फल है उनमें भी प्राप्त होता है, इनकी कमी से रुधिर छिड़ता एनीमिया हो जाता है और रक्त की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। कोबाल्ट, इसके बाद जो खनिज तत्व है वो कोबाल्ट है, हालांकि इसकी मात्रा अभी तक अज्ञात है कि कितना हमारे शरीर के अंदर पर डे जो है कोबाल्ट मिलना चाहिए, ये दूध पनीर और अंडे में प्राप्त होता है, इसे हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ सेलेनियम है 70 माइक्रोग्राम, कम मात्रा इसकी बॉडी के अंदर चाहिए, सेलेनियम 70 माइक्रोग्राम, और दूध में और मछली में अधिक से अधिक मात्रा में मिल जाता है, दूध और मछली से हम सेलेनियम को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कमी से हृदय और पेशी दोनों का क्षय होने लगता है, यानी हृदय भी सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है। इसके अलावा कह रहा है कि क्रोमियम, क्रोमियम एक खनिज तत्व है जिसकी मात्रा बहुत कम मात्रा हमारे बॉडी में पड़ने चाहिए, 120 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है, मांस सब्जी से प्राप्त किया जा सकता है, और इसकी कमी से उपापचय में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में गड़बड़ी आ जाती है, सुचारू रूप से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बॉडी के अंदर नहीं होती है। मॉलिब्डेनम, इसके बाद जो आता है वो मॉलिब्डेनम है, ये बहुत माइनर एक तरह से कह सकते हैं, 150 माइक्रोग्राम की आवश्यकता पर डे होती है मॉलिब्डेनम की, और अनाज से सब्जी से हमें प्राप्त हो सकता है, साथ ही साथ इसकी कमी से उत्सर्जन में अनियमितता होती है, यानी एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है उसमें इरेगुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हम लोग मनुष्य के लिए कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंस होते हैं, उनकी उनकी जो है बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होता है, उसके बारे में हम लोग इस चार्ट के माध्यम से स्टडी किए, हमने समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर ऑल।